अब यूक्रेनी एमएलआरएस से अंधाधुंध फायरिंग, जहां यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। ज़ेपोरोजिया में भी यूक्रेन की जबरदस्त फायरिंग हुई है। एपीआर 40 से रूसी ठिकानों पर कैसे वार हुआ, तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि ज़ेपोरोजिया पर कब्जे की यह जंग और तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ी खबर मॉस्को में हमले की कोशिश को लेकर है, जहां देखिए कैसे मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन से हमले हो रहे हैं और दो इलाकों में एक साथ हमले को लेकर यह खबर आई। मॉस्को से 40 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह में यह ड्रोन इंटरसेप्ट किया जा चुका है। एयर डिफेंस ने इन यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया है। ये तीन बड़ी ब्रेकिंग एक साथ अब आपके सामने होंगी, जहां आपको बता दें किस तरीके से यह जंग और विध्वंसक हो चुकी है और भयानक होते युद्ध की यह विध्वंसक तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेनी एमएलआरएस से अंधाधुंध फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आई। वहीं रूसी ठिकानों पर हमले को लेकर बड़ा दावा किया जा चुका है और अब मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन से हमले को लेकर भी खबर आई है। तो ज़ेपोरोजिया में कब्जे की जंग हो चुकी है तेज और दो इलाकों में एक साथ मॉस्को में जिस तरीके से हमले हुए हैं ये तस्वीर आपने देखी है। लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल मॉस्को पर लगातार हो रहे हमले को लेकर, क्योंकि बड़ी खबर है मॉस्को पर लगातार यूक्रेन कर रहा है हमले और सितंबर में दूसरी बार मॉस्को पर हमले की इस कोशिश को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है। हालांकि मॉस्को से 40 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया गया है और मॉस्को पर हमले रूस के अंदर से होने की आशंका, रूस की चिंता किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। और साथ ही ये बता दें कि क्रिमिया पर फिर से यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। एक और सबसे बड़ी खबर आई है, जहां रूस ने 6 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है और यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम करने का किया जा रहा है दावा। अब रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किए गए इस दावे को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई है, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने 6 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, क्रिमिया पर फिर से यूक्रेन का यह ड्रोन हमला बताया जा रहा है और यूक्रेन के ड्रोन हमले को नाकाम करने का किया गया दावा। क्रिमिया पर ड्रोन अटैक क्या हो गए हैं नाकाम, क्योंकि यूक्रेन ने बीती रात क्रिमिया पर 2 ड्रोन हमले की कोशिश की है। अब इंफॉर्मेशन आपके सामने कि किस तरीके से बैक टू बैक 2 हमले की यह कोशिश, रात 1 बजे के बाद पश्चिमी क्रिमिया में 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए और साथ ही ब्लैक सी पर भी रूसी डिफेंस ने 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन का कोई भी ड्रोन टारगेट को हिट नहीं कर सका है। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि 13 सितंबर को भी क्रिमिया पर यूक्रेन ने हमला बोला था। सेवास्टोपोल में भी 2 रूसी वॉरशिप्स को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया था। अब एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दत्ता सर, आपसे शुरुआत इसलिए क्योंकि जिस तरीके से रशिया वल्नरेबल सिचुएशन में नजर आ रहा है, 190 से ज्यादा हमले रशिया पर हो चुके हैं, क्या कहें, क्या डिफेंस में है रशिया या उसकी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा? देखिए, जिस तरह से रशिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो ये बताता है कि किस तरह से जो युद्ध है वो रशिया की टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, यूक्रेन के पास कुछ खोने को है नहीं और जिस तरह का समर्थन है, और सबको पता है कि ये युद्ध रूस और यूक्रेन का नहीं है, ये रूस बनाम अमेरिका और उसके एलाइज का है। तो वो जिस तरह से अपने युद्ध को या जिस तरह से अपने टारगेट्स को एंगेज कर रहा है रशियन टेरिटरी में, आप देखिए मॉस्को के एयरपोर्ट पे अटैक हुए हैं और भी कई तरह के अटैक्स हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि रशिया को वो चुनौती दे रहा है और एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। हालांकि रशिया भी पूरी तरह से तैयार है, जिस तरह से उसने रशिया पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वो इस फैक्ट को कैसे डिनाई कर दे सर कि अब मॉस्को में रहने वाले लोग ही इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। पहले डिफेंस लेयर को टारगेट किया गया, अब लोग प्रभावित हो रहे हैं, यही वजह है कि एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच कामयांग में इलाके में जोरदार धमाका हुआ,
हथियारों के गोदाम पर हमले की ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, किस तरीके से खेरसों के पास यूक्रेन मजबूत हो चुका है और रूसी फ्रंटलाइन पर बड़े हमले की तैनाती भी है। हालांकि यूक्रेन ने खेरसों के पास अपनी फोर्स को बढ़ा दिया है और खेरसों के लेफ्ट बैंक से हमले की यह तैयारी है। बड़ी खबर यह भी है कि खेरसों में रूस के पास सैनिकों की कमी की खबर आ रही है। अब तीन बड़ी खबरें, तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी, जहां आप ये तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से खेरसों में रूस के पास सैनिकों की कमी के तहत यूक्रेन की तरफ से यहां पर फोर्स बढ़ाने का दावा किया गया। वहीं धमाके के साथ किस तरीके से बड़े इलाके में लगी आग, जहां आपने देखा किस तरीके से रूस के दक्षिण पश्चिम इलाके पर यह हमला किया गया है, वहीं कामयांग इलाके में भी जोरदार धमाका हो चुका है। लेकिन रूसी फ्रंटलाइन पर जिस तरीके से बड़े हमले की तैयारी है और लॉजिस्टिक सेंटर पर ड्रोन से हमले को लेकर यह खबर आई, हालांकि लॉजिस्टिक सेंटर को नुकसान की भी खबर है। ज़ेपोरोजिया में यूक्रेनी फोर्स पर अटैक, जहां जंगलों में रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है और रूसी हमले में कई यूक्रेनी भी घायल हो चुके हैं। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है। आंद्रव का एक और इलाका, जहां यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ, रूसी सैनिकों पर बमबारी की ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेनी हमले में मारे गए कई रूसी सैनिक, अब ये तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने भी होंगी। हालांकि उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर, जहां देखें यूक्रेन में कुछ ही घंटे में हो सकता है सबसे बड़ा हमला, जहां पूरी ताकत से एयर स्ट्राइक की तैयारी में अब रूस भी नजर आ रहा है। हालांकि कैस्पियन सी में रूस के कई TU-95S भी नजर आए हैं। पोलिनिया एयरफील्ड से रूस के सात TU-95S ने टेक ऑफ किया है। ब्लैक सी में एक साथ रूस के कई UAV के मूवमेंट्स भी देखे गए। इन इलाकों से हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। कौन कौन से वो इलाके हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए, जहां पर ब्लैक सी और कैस्पियन सी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर कैस्पियन सी में रूस के कई TU-95S भी मौजूद बताए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि पोलिनिया एयरफील्ड से सात TU-95S का टेक ऑफ भी हो चुका है। तो भीषण हमले की तैयारी में जिस तरीके से रूस है, किन इलाकों से हमले की आशंका जताई जा रही है, ब्लैक सी से रूसी ड्रोन्स की मूवमेंट, और साथ ही इंपॉर्टेंट यह है कि ये रूस की अगली वो स्ट्रैटेजी है जिसमें यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से रूस भी अब बिग ऑफेंसिव करने की तैयारी में है। लेकिन कीव पर बड़े हमले की आशंका को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर, जहां पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। अब कीव, ज़ाइदुमीर, निप्रो में अलर्ट, साथ ही पोल्सोवा, खार्किव और सुमी में अलर्ट जारी किया जा चुका है। साथ ही चानेहाइव के साथ साथ विनिसिया में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। दीपक वोरा सर इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक वोरा सर, क्या लग रहा है इस लिहाज से आपको, क्या जो बात अमेरिका कह रहा है अगले 45 दिन में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, क्या ये उसी स्ट्रैटेजी के तहत माने कि रूस को अब वल्नरेबल कर चुके हैं? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है, बहुत अच्छा लगता है मैम, आपसे सीखता हूँ और आपके जो विशेषज्ञ हैं। मैं अमेरिका से लौटते ही तिरुपति गया था और गुरुवायूर, इसीलिए आप देख रहे हैं कि केश नहीं है जो मैंने अर्पित किया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। डिप्लोमेटिक तौर से हम चार चीजें देख रहे हैं मैम। बोलो जेलो जो कॉमिक एक्टर है यूक्रेन के, वो जा रहा है अमेरिका, कांग्रेस के सामने रोएगा कि मुझे और हथियार चाहिए। पिछले साल दिसंबर में गया था तो उन्होंने बहुत पैसे दिए थे। इस बार मैम ध्यान बहुत कई लोगों का नहीं है कि जुलाई में एक प्रपोजल प्रस्ताव रखा गया था यूएस कांग्रेस में कि $1 और मत दो, और अब क्या हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है तो जेलो बहुत डरा हुआ है कि अब मुझे इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए फिर भीख मांगने जा रहा है। दूसरा, जो बाइडन का पॉलिटिकल सर्वाइवल अब यूक्रेन पे डिपेंड करता है, उसने अपने आप को अपनी बेवकूफी से यहां पहुंचा दिया। तीसरा,
किसी को मालूम नहीं है कितने हथियार दिए हैं। नेटो का सेक्रेटरी जनरल कहता है जो कुछ उसने मांगा था 99% दे दिए। अमेरिकी जनरल कहता है अभी तो बहुत कुछ देना बाकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा इन लोगों को कि क्या हो रहा है। और चौथी चीज, एक अमेरिकन ऑफिशियल कहता है अगले साल का काउंटर ऑफेंसिव ज्यादा मजबूत होगा, यानी जंग अगले साल तक चलेगा ये फैसला कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो कंफ्यूजन इस समय है वॉशिंगटन में, पूरी दुनिया में, उससे तो ये नजर आ रहा है कि इतनी जल्दी जंग नहीं खत्म होगा। लेकिन क्योंकि अभी व्लादिवोस्टोक में जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हो, भारत के एक मंत्री ने हमारी डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व किया, वहां पर पुतिन बोले मैं तो तैयार हूँ बातचीत के लिए, लेकिन ये सर्कस वाला कहता है उसने तो कानून बनाया कि रूस से कोई बात नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, इस कानून को तो बदलो। तो मुझे लगता है कि अब स्टेलमेट की स्थिति आ रही है और जितना जोर रूस लगा सकता है वो अब लगाएगा तोड़ने को, अमेरिका को का जो सपोर्ट यूक्रेन को मिल रहा है ये देखने वाले हैं हम। 45 चार पॉइंट आपने कहे हैं, रशिया वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन के तहत सब कुछ खत्म कर चुका है, लेकिन अब अमेरिका ही क्या पूरी तरीके से जेलेंस्की को वल्नरेबल कर चुके हैं? जो चार बातें कही हैं आपने उस लिहाज से ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। लेकिन